सो व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ETO कोर्स इन तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने ETO के बारे में बात किया था, लेकिन उस बार हम लोगों ने एमा में एडमिशन के लिए बात किया था इंग्लिशन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मैरिटाइम इंस्टीट्यूट है इंडिया में। तो आइए आगे सब इसके बारे में बात करते हैं, कैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, सब कुछ समझ जाना, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। उसके पहले सो गाइस, कोर्स की ड्यूरेशन की बात कर ले तो आपका 4 मंथ का क्लास रूम ट्रेनिंग होता है, उसके बाद 6 मंथ का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होता है। तो 4 मंथ आप पूरे कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद आपका प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट में फिर 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग होता है ऑन बोर्ड। उस समय आप एज एन ट्रेनी ETO आप चीफ इंजीनियर के अंडर में काम करते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो एक बात याद रखना, इस वीडियो में हम सिर्फ तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन की बात कर रहे हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब चेंज होते रहता है, तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ TMI में एडमिशन की बात करेंगे। तो आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन, वो भी BTEC, और जो आपका स्ट्रीम होना चाहिए वो इन स्ट्रीम्स में से कोई एक होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल हो वो आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका क्लास 12th भी पास आउट होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपका 55% मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश में सेपरेट 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का मार्क्स होता है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स का कंबाइंड परसेंटेज होता है। उसके बाद इसमें बात कर ले तो इसमें एडिशनली एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि एमा में जब मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया तो उसमें नहीं था। यहाँ पे आपका मिनिमम 6 मंथ्स का आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगता है, आप 6 मंथ्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस करे होने चाहिए, काम करे होने चाहिए, आप BTEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 6 मंथ आप काम करे होंगे, वो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको फिल करना होता है, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो गाइस, एज क्राइटेरिया और मेडिकल फिटनेस की बात कर ले तो आपका एज होना चाहिए 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जो कि है 1 मार्च को इनका कोर्स शुरू होता है, तो उस समय आप 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश टर्म में ये एज का क्राइटेरिया 28 ईयर्स तक था। और मेडिकल फिटनेस की बात कर ले तो जब आप सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जहां आपको कॉलेज जो डॉक्टर से बोले, DGS अप्रूव्ड डॉक्टर से, वहां से जाके आपको अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना होता है। कि फीस की बात कर ले तो आपका टोटल 3.10 लाख रुपीज़ है, जिसमें ट्यूशन फीस, कैप्शन, ट्विन शेयरिंग, एकोमोडेशन, मतलब जो आपका हॉस्टल होता है, जो रूम होता है उसमें 2 लोग होते हैं, और आपका जो फूड, लॉन्ड्री, यूनिफॉर्म, बुक्स एंड स्टेशनरी, ये सब इंक्लूडेड होता है पूरा इसमें। 3.10 लाख आपका फी है। सो गाइस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर ले तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 40 है, एक बैच में जो कि मार्च में है वो 40 सीट है, और जो कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है वो मार्च 2021 में स्टार्ट होगा, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि वहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक फॉर्म है, उसको आपको कॉलेज से फिल करवा के ही भेजना है, तो उसको मैं जैसे बताऊँगा वैसे फिल करके तभी सबमिट करना। और लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का है वो है 31 जनवरी 2021। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन प्रोसीजर्स की बात कर ले तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, और आपको पेमेंट करना है 1200 का। और जब ये पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक विंडो खुलेगा, जितना आपने इन्फॉर्मेशन अपना एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा उसका एक विंडो खुलेगा, और उसमें एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, तो वो प्रिंट करके आप पूरा इन्फॉर्मेशन, वो जो विंडो होगा उसको निकलवा लेना और उसको स्टेपल करके रख लेना, और उसमें नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स और जो वो आपने प्रिंट किया है फॉर्म उसको साथ में करके, और स्पीड पोस्ट या कोई भी आपका अगर कुरियर का सुविधा हो तो उससे आपको कॉलेज को भेजना है। कॉलेज में जब आप भेज देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप ये नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं, पेमेंट करते हैं, और ये जो आप डॉक्यूमेंट्स हैं और जो अपना फॉर्म है वो आप कॉलेज को सेंड नहीं करते हैं, कुरियर नहीं करते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ज़रूर करना है स्पीड पोस्ट। जब मैंने भी DNS का फॉर्म भरा था तो कुछ ऐसा ही प्रोसीजर होता है उनका। और आप जब एलिजिबल होंगे वहाँ पे, सब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगी आपका। और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बता दे तो सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे उसका प्रिंटेड ही आपको भेजना है, मतलब प्रिंट ओरिजिनल कुछ नहीं भेजना है। और जब वहाँ पे आपका जब चेक हो जाएगा सारा डॉक्यूमेंट, तो आपको अगर एलिजिबल होंगे तो आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और जो आगे मेडिकल टेस्ट होगा, उसका प्रोसीजर आपको ईमेल के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा, या फिर कॉल से भी आपको समझा दिया जाएगा। एक और यहाँ पे एक और स्लाइड है जिसमें मैंने बताया कि आपको जो कोर्स कंप्लीट होगा तो आपके पास क्या क्या होगा। जो 4 मंथ का कोर्स होता है वो खत्म होने के बाद आपके पास हो जाएगा CDC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CDC मिलता है, पासपोर्ट जैसा होता है डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिप पे जाने के लिए। और आपके पास इंडोस नंबर मिल जाता है, इंडोस नंबर मतलब इंडियन नेशनल डेटाबेस ऑफ सीफेरस, मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो
डेटाबेस है सिफरस का, उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपको एक नंबर मिलता है, वहाँ पे आपका बहुत चीज़ है, उसी के थ्रू आप CDC के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत कुछ ये सब आपको कॉलेज में समझा दिया जाएगा। और आपको कोर्स कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब आपने ETO कर लिया उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप मर्चेंट शिप्स ज्वाइन कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, क्योंकि आप पहले तो सबसे पहले 6 मंथ का ट्रेनिंग करते हैं एज ए ट्रेनी ETO, उसके बाद जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जब दूसरे शिप पे जाएंगे, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिल जाता है, तब आप ETO एज एन ETO आप शिप ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो 4 मंथ का कोर्स होता है उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यूज विल बी अरेंज विद द ग्लोबल शिपिंग कंपनीज। जो तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट है वो मतलब ITF कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए बहुत ही फेमस है, तो आपको इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट का अरेंजमेंट कॉलेज में बहुत ही अच्छा है, आपको मतलब 80-90% आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप ये मतलब तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको प्लेसमेंट ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ अपना इन्फॉर्मेशन अपने तरफ से छोड़ दिया, तो आप कॉलेज को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ये उनका इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये उनका मतलब लोकेशन दे रखा है, और यहाँ उनका नंबर दे रखा हुआ है, और यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस दे रखा हुआ है, इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड ETO कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो आप यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे मेल करके उसके बारे में जान सकते हैं। और जो ये आपका जो दे रखा है एड्रेस, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना होता है, कुरियर करना होता है अपना सारे डॉक्यूमेंट। तो गाइस अभी हम चलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, वहाँ बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या भरना है, और क्या जो वो एक इम्पॉर्टेंट जो आपका PDF फाइल है उसमें क्या फिल करके और प्रिंसिपल से साइन करवा के आपको क्या भेजना है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो उनका ETO का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के वेब पेज पे है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीधा जाकर वहाँ पे क्लिक करो तो सीधा इसी पेज पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, देखो जिस पे एस्ट्रिक सिंबल बना हुआ सिर्फ उसी फील्ड को आपको फिल करना है। जैसे यहाँ नेम में आपको अपना नेम डालना है जो कि एज पर पासपोर्ट हो। आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे दे, आपको पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। जैसे यहाँ पे पासपोर्ट के नंबर पे एस्ट्रिक्ट नहीं बना हुआ, मैंडेटरी, लेकिन आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले अपना पासपोर्ट बनवा लेना, चाहे आपको इमरजेंसी अर्जेंट वाला बनवाना पड़े चाहे नॉर्मल आपका बना हुआ तो और अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे एज पर पासपोर्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, मेडिकल स्टेटस, पासपोर्ट नंबर, ये सब मतलब अगर एस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप नहीं भी फिल कर सकते। इसमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क ये भी आप फिल कर सकते हैं, और ये मतलब नॉर्मली जो पासपोर्ट पे जो बताया होगा वही यहाँ पे भी बताना, और यहाँ पे सब आपका अपना फोटोग्राफ ये सब मतलब डाल के, और एड्रेस यहाँ पे डालना होता है, और ऐसे ही अपना एकेडमिक रिकॉर्ड 10th 12th का, और जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा उसका भी यहाँ नीचे से भर सकते हैं। अगर लेटरल एंट्री कर रखा तो यहाँ पे टिक करके आप लेटरल एंट्री का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और ऐसे ही अपना मतलब ऐसे, और अगर कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास, मतलब अगर आपने कुछ और कर रखा हो, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने नेशनल माइनॉरिटी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में स्टेट लेवल पर अच्छा पोजिशन लाया था, तो मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे मांग रहा था तो ये फिल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ भेजोगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे इसके बारे में, तो वो ज़रूरी है कि आप यहीं पे अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल दो, और अगर आपने नहीं डाला तो आप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल मत करना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपके 1200 भी वापस आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस ये सब डालना होता है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होता है, यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना होता है। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सब सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द लेटर एज पर अटैच्ड फॉर्मेट NX1। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका एक मतलब PDF खुलने वाला है, तो PDF कुछ ऐसा है यहाँ पे आपको। हाँ देखो ये एक आपको एनेक्सर मिलता है, वो आपको फिल करना होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे आपको कॉलेज फिल करके देगा, मतलब यहाँ पे देखिए आपका नाम होगा, और ये आपको कॉलेज का जो डिग्री है उसका इन्फॉर्मेशन होगा, जो डिप्लोमा का, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना होता है। और यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अपना नेम, सिग्नेचर जो होगा यहाँ पे फिल करवा लेना इंस्टीट्यूट से, जो आप जहाँ से आप BTech कर रखे हो या फिर डिप्लोमा कर रखे हो तो वहाँ से ये फिल करवाना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको मतलब प्रिंट आउट निकलवा के और ये सब करवा के भेजना है कॉलेज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो गाइस अगर यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन
पेमेंट का आएगा, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका पूरा वो आपका इन्फॉर्मेशन जो जो यहाँ पे आपने फिल कर रखा है वो आपका विंडो खुल जाएगा, वहाँ से उस विंडो का ही आपको प्रिंटआउट निकलवा लेना है और प्रिंटआउट को स्टेपल करके और भी जो उसमें नीचे डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा जब आप पेमेंट कर लोगे तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी आ जाएगा। नॉर्मली वही 12th का मार्कशीट का कॉपी, ग्रेजुएशन का मार्कशीट का कॉपी और यही सब, डिप्लोमा अगर किया तो डिप्लोमा, अगर पासपोर्ट का कॉपी मांग सकते हैं, आधार कार्ड का मांग सकते हैं, फ़ोटोज़ मांग सकते हैं, तो यही सब आपको भेजना होता है कॉलेज में। तो ये आप मतलब सब डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखना भेजने के लिए, कूरियर कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, जो एड्रेस है जो मैंने अपनी PDF के लास्ट वाली स्लाइड में दिखाया था उसी एड्रेस पर आपको भेजना होता है। ये सब गाइड आपको वहाँ पर मतलब फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हो। ये देखो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है कि इस पर आप कॉल कर सकते हो, ईमेल एड्रेस दे रखा है, तो इस पर आप ईमेल करके भी पूरा आगे का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई है। तो कुछ ऐसे ही ETO का फॉर्म फिल करना है। और जो कॉलेज है तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट वो वन ऑफ द बेस्ट मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो आप भेजिए कि यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो, प्लेसमेंट आपका ITF कंपनीज़ में भी होगा, बेस्ट कंपनीज़ में होगा, इंटरनेशनल कंपनीज़ में। तो एप्लीकेशन फॉर्म ये जरूर फिल कर देना। लास्ट डेट आपका 31st January है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी साथ में दबा देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।